आईपीएल प्लेऑफ्स का एलिमिनेटर मैच एसआरएच और आरसीबी की टीमों के बीच अबू धाबी में 6 नवंबर को खेला जाएगा। और आज इस वीडियो में हम पिछले 5 मैचों के 12 अलग अलग आंकड़ों के आधार पर दोनों टीमों को कंपेयर करने वाले हैं। दोस्तों पिछले 5 मैचों के आंकड़े इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों का करंट फॉर्म पता लग सके। दोस्तों 80 से 85% हमारी जो कंपेरिजन होती है, जो हम करते हैं प्लेइंग 11 बताते हैं, वो करेक्ट होती है और इस मैच की भी भविष्यवाणी करेंगे। तो इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, एंड तक जरूर देखें। दोस्तों हमारी टीम ने बहुत मेहनत की इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो यहाँ कहीं नीचे से लाइक का बटन को भी हिट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जिन आंकड़ों के आधार पर दोनों ही टीमों को कंपेयर करेंगे वो है दोस्तों पिच के आंकड़े, जिसे हम पिच प्रिडिक्शन भी बोलते हैं। दोस्तों अगर हम अबू धाबी की बात करें तो यहां पर औसत स्कोर पिछले 5 मैचों में पहली इनिंग का 170 का रहा है, दूसरी इनिंग का 171 का रहा है। तो वही पहली इनिंग में औसतन 6 विकेट गिरे हैं, दूसरी इनिंग में औसतन 3 विकेट गिरे हैं। इससे एक चीज दोस्तों हमें पता लगती है कि यहां पर औसत स्कोर बढ़ गया है, ज्यादा रन अब बनने लगे हैं अबू धाबी में, मतलब बल्लेबाजों का रोल आएगा और जिस टीम के पास बेहतर बल्लेबाज होंगे वो यहां दबदबा लाने वाले हैं, ड्यू फैक्टर भी आने वाला है, तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। एट द एंड आगे चलकर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी टीम आगे है कंपैरिजन में, लेकिन ये पॉइंट जरूर याद रख लीजिएगा, आगे इसी वीडियो में काम आएगा। पिच का एक और आंकड़ा है दोस्तों, अगर हम पिच पर गेंदबाजों के प्रदर्शन की बात करें तो पिछले 5 मैचों में तेज गेंदबाजों ने 29 विकेट लिए हैं, लेग ब्रेक स्पिनर्स ने 7, ऑफ स्पिनर्स ने 2 और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 3 विकेट लिए हैं। ये साफ बताता है कि तेज गेंदबाजों का डंका बोलेगा और आंकड़े यही बताते हैं कि यहां पर वही टीम जीतेगी जिसके पास बहुत अच्छा अपर ऑर्डर हो और बहुत अच्छे तेज गेंदबाज हो। ये कॉम्बिनेशन जिस टीम के पास होगा वो इस मैच में अपना पटला भारी कर लेगी। चलिए दोस्तों अब ओपनर्स कंपैरिजन की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आखिरी 3 मैच बचे हुए हैं और उसके बाद सारा जो क्रिकेट का मेला है ना वो खत्म हो जाएगा, सिमट जाएगा और आपके पास भी आखिरी ही मौका बचा हुआ है अब दादा के खिलाफ अपनी टीम बनाने का। दोस्तों डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, बड़ा बड़ जाइए, माई 11 सर्कल ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए क्योंकि दादा वहां पर अपनी टीम बना रहे हैं और अगर आप दादा की टीम को हरा देते हैं तो आपको अपने जीते हुए अमाउंट का दुगना पैसा, डबल पैसा मिलता है। साथ ही दोस्तों बड़ी चीज ये है कि 1500 रुपए फ्री में मिल रहा है, जैसे ही आप इस ऐप पर जाएंगे डाउनलोड करेंगे अपना पहला पैसा डालेंगे तो 1500 रुपए आपको मिल जाएंगे, 20% का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा, आप में से कोई एक करोड़ रुपए भी जीत सकता है। राशिद खान, शेन वाटसन, दादा खुद यहाँ टीम बनाते हैं, पैसे डालो निकालो, प्लेइंग 11 बनाना भी बहुत आसान है, बहुत सारे लोग जीत भी चुके हैं, तो देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स खोलिए, माई 11 सर्कल ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चलिए दोस्तों अब ओपनिंग कंपैरिजन की बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम दोनों ही टीमों के ओपनर्स की बात करें, एसआरएच की तरफ से वार्नर और सहा ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, तो वही आरसीबी की तरफ से जोशुआ फिलिप और देवदत्त पट्टिकल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। स्पेशली दोस्तों एसआरएच के जो ओपनर्स है ना वो इनकी रीढ़ की हड्डी है और अगर आप एसआरएच के ओपनर्स को जल्दी आउट कर लेते हैं, आरसीबी के फैंस के लिए बता रहा हूं, तो भाई आप यहाँ मैच में बढ़त ले लेते हैं, लेकिन आंकड़ों की बात हम जरूर करेंगे क्योंकि आंकड़े ही सारी चीजों की तस्दीक कर देते हैं। दोस्तों अगर हम एसआरएच के ओपनर्स के पिछले 5 मैचों के कंबाइंड आंकड़ों की बात करें तो पिछले 5 मैचों में इन्होंने 382 रन किए हैं, इनका एवरेज जो एसआरएच के ओपनर्स का है 64 के समथिंग का, स्ट्राइक रेट 153 का है। आरसीबी के ओपनर्स ने कंबाइंड रूप से पिछले 5 मैचों में 253 रन किए हैं, एवरेज कम है 32 का, स्ट्राइक रेट 114 का है। कंपैरिजन आप अपनी स्क्रीन पर साफ साफ देख पा रहे होंगे और ये कंपैरिजन की जो काटा है, सुई है, वो साफ तौर पर एसआरएच की तरफ झुक रहा है, जैसा कि हमने कहा था कि एसआरएच के ओपनर्स एसआरएच की रीढ़ की हड्डी है, वो ये आंकड़े प्रूफ करते हैं। तो यहां पर दोस्तों एसआरएच का पटला भारी रह सकता है, लेकिन अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिडिल ऑर्डर के आंकड़ों की, क्योंकि मिडिल ऑर्डर हर टीम को बनाता है, स्कोर को बनाने का काम कौन करता है, मिडिल ऑर्डर करता है, और अगर वही फ्लॉप हो जाएगा तो आपकी टीम रन ही नहीं कर पाएगी, बैठ जाएगी। अगर हम एसआरएच के मिडिल ऑर्डर की बात करें तो यहां पर मनीष पांडे तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर केन विलियमसन, पांचवें स्थान पर प्रियम गर्ग उतरेंगे। आरसीबी के अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें, तीसरे स्थान पर कोहली, चौथे स्थान पर डिविलियर्स, पांचवें स्थान पर गुरकीरत सिंह उतरेंगे। देयर इज नो चेंज, आरसीबी कुछ बदलाव करेगी आगे जाकर, लेकिन यहां पर कोई बदलाव संभवतः होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्या बदलाव होंगे वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अब आंकड़ों की बात, पिछले 5 मैचों में मिडिल ऑर्डर ने कंबाइंड रूप से एसआरएच के मिडिल ऑर्डर ने 190 रन किए हैं, एवरेज 27 का रहा है, स्ट्राइक रेट 105 का रहा है लगभग। आरसीबी के मिडिल ऑर्डर ने पिछले 5 मैचों में कंबाइंड रूप से 278 रन किए हैं, एवरेज 35 के समथिंग का रहा है, स्ट्राइक रेट 106 का रहा है।
यहाँ पर किसका पटला भारी है साफ साफ दिख रहा है, आरसीबी की तरफ कांटा झुक रहा है। और दोस्तों ये जरूरी भी है, जरूरी इन द सेंस कि ये देखना आपके लिए जरूरी है कि किस तरह से विराट और एबी की प्रेजेंस पूरे ही आंकड़ों को अपनी तरफ खींच ले रही है, और यही एक मजबूत पक्ष आरसीबी का दिख रहा है। तो मिडिल ऑर्डर में तो दोस्तों आरसीबी की तरफ तराजू झुक रहा है। अभी तक जितने आंकड़े कंपेयर करें ओपनर्स मिडिल ऑर्डर के, अभी तक तो बराबरी ही दिख रही है। पिच के जो आंकड़े बताए थे उसमें कौन आगे है आपने देखे होंगे, कमेंट में बता दीजिएगा। लेकिन अब लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजी आंकड़ों की बात कर लेते हैं। अगर हम एसआरएच के लोअर ऑर्डर की बात करें, होल्डर समद नंबर 6 नंबर 7 पर उतरे, आरसीबी की तरफ से नंबर 6 पर मॉरिस, नंबर 7 पर सुंदर उतर रहे हैं। यहां पर दोस्तों क्या बदलाव आरसीबी करेगी वीडियो के एंड में हम बताएंगे, क्या जादुई बदलाव होगा वो भी बताएंगे। लेकिन अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं। तो भाई पिछले 5 मैचों में लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए एसआरएच के लोअर ऑर्डर प्लेयर्स ने, ऑलराउंडर्स ने 38 रन किए, एवरेज 19 का, स्ट्राइक रेट 154 का है। आरसीबी के इन्हीं खिलाड़ियों ने, लोअर ऑर्डर के खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी करते हुए 5 मैचों में 45 रन किए, एवरेज 9 का, स्ट्राइक रेट 106 का है। मॉरिस का बैट्समैन के रूप में ना चलना आंकड़ों के कंपैरिजन में एसआरएच की तरफ सारे तराजू को झुका रहा है। और भाई सीधी बात है कि हम यूट्यूब के बाबा पंडितों की तरह तो बात करते नहीं है, मतलब आकर बैठ गए और कुछ भी बोलने लगे। तो आपको पता होगा कि हम आंकड़ों की बात करते हैं और आंकड़े एसआरएच की तरफ है, ये पटला एसआरएच की तरफ झुका हुआ है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं लोअर ऑर्डर के ही गेंदबाजी आंकड़ों की। लोअर ऑर्डर के गेंदबाज क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोअर ऑर्डर में जो प्लेयर्स खेलते हैं वो गेंदबाजी भी करते हैं, ऑलराउंडर्स होते हैं ना। तो यहाँ पर दोस्तों एसआरएच की तरफ होल्डर गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं, आरसीबी की तरफ से सुंदर मॉरिस गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। एसआरएच के लोअर ऑर्डर के खिलाड़ियों ने गेंदबाजी करते हुए पिछले 5 मैचों में 10 विकेट लिए, इकोनॉमी 8 का है। आरसीबी के लोअर ऑर्डर के खिलाड़ियों ने गेंदबाजी करते हुए, ऑलराउंडर्स ने गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट निकाले, 7 का लगभग इनका इकोनॉमी रेट है। तो दोस्तों यहां पर भी सीधे तौर पर बहुत ज्यादा तराजू नहीं झुका है एसआरएच की तरफ, लेकिन झुका जरूर है। होल्डर की एंट्री एसआरएच को बहुत ज्यादा मजबूत कर रही है। दोस्तों सारी चीजें लिखते जाइए, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं कि यहीं से हम पॉइंटर्स निकल रहे हैं, पॉइंटर्स निकलेंगे कि कहां कहां मजबूत और कमजोर पक्ष है, और उसी से मैच तय होगा जो अंत में मैं बताऊंगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट बात करते हैं गेंदबाजी आंकड़ों की। सबसे पहले दोस्तों अगर हम एसआरएच के बॉलर्स की बात करें, यहां पर संदीप शर्मा, शहबाज नदीम, टी नटराजन, राशिद खान नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10 और नंबर 11 पर उतरेंगे। आरसीबी की तरफ से 8वें स्थान पर सिराज, 9वें स्थान पर उडाना, 10वें स्थान पर एजुएन चहल और 11वें स्थान पर एस अहमद उतरने वाले हैं। फटाफट आंकड़े भी देख लेते हैं दोस्तों एसआरएच में गेंदबाजी करते हुए, इनके गेंदबाजों ने 5 मैचों में 24 विकेट निकाले, आप देख पाए होंगे 7 का इकोनॉमी है। आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी करते हुए, इनके गेंदबाजों ने पिछले 5 मैचों में 16 विकेट निकाले, इकोनॉमी 6 का है। आरसीबी के लगातार फ्लॉप होने का कारण उनकी गेंदबाजी के क्लिक ना करना ही है, पर ये चीज एक और नोट करने वाली है। और यहां पर भी दोस्तों अगर हम दोनों ही आंकड़ों को देखते हैं, हम अगर विकेट्स को देखते हैं, तो यहाँ हल्का सा पटला हम एसआरएच का भारी कह सकते हैं, तराजू को झुका सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल हमने क्या देखा, ओवरऑल हमने देखा कि ओपनर्स के रूप में एसआरएच भारी है, मतलब आरसीबी को अगर जीतना है तो ओपनर्स बढ़ाने पड़ेंगे, ओपनर्स अच्छे करने पड़ेंगे। तो क्या प्लेइंग 11 में फिंच की एंट्री होगी, मुझे नहीं पता, होनी जरूर चाहिए। अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें, यहाँ पर आरसीबी बहुत मजबूत है, तो एसआरएच को मिडिल ऑर्डर मजबूत करना होगा। क्या बेस्टो को कहीं आप फिक्स कर सकते हैं, क्या विलियमसन को आप बाहर करके बेस्टो को वहां मिडिल ऑर्डर में खिला सकते हैं, ये एक बदलाव संभवता होना चाहिए, आंकड़े इस बात को बताते हैं। लोअर ऑर्डर की बात करें, दोनों ही टीमें हमने बराबर दिखी है, लेकिन क्या मॉरिस चलेंगे, क्योंकि वही एक एक्सपेक्टर बनेंगे, वो देखना पड़ेगा आरसीबी को। गेंदबाजी की बात करें तो आरसीबी की गेंदबाजी क्लिक नहीं की है, क्या नए गेंदबाज हमें आते हुए दिखेंगे, वो भी एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। नवदीप साइनी का ना चलना क्या एसआरएच को, माफ कीजिए आरसीबी को ले डूबेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। ये सारी चीजें साफ साफ बता रही है एसआरएच इस मैच में थोड़ा सा पटला अपना भारी रखता है। ये आंकड़ों की बात थी, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए आपके हिसाब से कौन सी टीम जीत रही है। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया तो कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।